एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेकअप करके फ्रॉम वेरी अफोर्डेबल, आई मीन चीपेस्ट एवर मेकअप ब्रशेस सेट के साथ। और वो मेकअप ब्रशेस सेट हैं ये। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास में भी ये होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक आपके लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ प्रोडक्ट है। लाइक आप किसी भी मेकअप स्टोर में जाओगे, ये आपको ब्रश सेट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग में से बहुत लोग इसे पहचानते होंगे, बहुत लोगों के पास ये होगा। तो मैं आज, मेरे पास भी ये काफ़ी दिनों से पड़ा था, मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत दिन से लेकर रखा है, मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैं आज इस वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगी कि क्या ये मींस जिस प्राइस पर ये मिलते हैं ये उस लायक भी हैं या फिर उतने भी वेस्ट हो जाएंगे। और मैं बता दूँ इसका प्राइस लाइक मुझे 68 रुपीज़ पड़ा था, और इसमें टोटल 5 सेट हैं, मीन्स 5 पीसेस के सेट हैं ये। और अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 12 to 13 रुपीज़ एक ब्रश का आपको रेट पड़ेगा। सो चलते हैं, देखते हैं इसे मेकअप करके कि कैसा मेकअप होता है। तो ब्रशेज़ की अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जिस रेट पे ये मिला है उस हिसाब से बुरी नहीं है, लाइक अच्छी है क्वालिटी। एंड इसमें आपको 5 ब्रशेज मिल रहे हैं। एक ये स्मजर ब्रश है, लाइक नॉर्मल आई शेडोज़ में जो मिलते हैं वो ब्रश है। देन ये एक आईब्रो ब्रश है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को कॉम कर सकते हैं। देन ये आई गेस लिपस्टिक ब्रश है, येस लिपस्टिक या फिर आप आई शेडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देन ये फ्लैट ब्रश है, और देन ये ब्लश ब्रश है, आप इसे ब्लश लगा सकते हो, कंटोर कर सकते हो। एक्चुअली ब्लश से अच्छा ये कंटोरिंग रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश है, तो कंटोरिंग इसे बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स सी, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, बहुत हार्श या फिर चीप रेट है तो उस हिसाब से क्वालिटी अच्छी है इसकी, मीन सारे ब्रशेज़ की। तो मेकअप कर लेते हैं अब। सबसे पहले लगा लेती हूँ प्राइमर। तो अब है बारी फाउंडेशन की, बट इसमें कोई फाउंडेशन ब्रश नहीं है तो मैं फाउंडेशन दूसरे ब्रश से लगा रही हूँ। फाउंडेशन के बाद अब है बारी कंसीलर की, और अगेन इसमें कोई कंसीलर ब्रश नहीं है तो मैं अपने दूसरे ब्रश से ही कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। अब है बारी कंसीलर को सेट करने की और कंटूर करने की। तो मैं इसमें से ये ब्रश यूज़ करूँगी, ये थोड़ा प्लफी ब्रश है और इसे कंटूर भी अच्छे से होगा और पाउडर भी अच्छे से लगेगा, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश बहुत ज़्यादा प्लफी नहीं है, लाइक बहुत डेंस नहीं है, बहुत पतलू सा है, तो उस हिसाब से ये अच्छा वर्क कर रहा है। सॉफ्ट है, लाइक क्वालिटी अच्छी है ब्रश की, आपके फेस पे ये चुभ नहीं रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है ये। लेकिन पाउडरिंग के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत छोटू सा है। सो अब कंटूर कर लेते हैं। ओ वाओ, इसे कंटूरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये ब्रश कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छा है, मुझे लग ही रहा था ये जिस शेप का ब्रश है ये कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस टाइप के ब्रश से कंटूरिंग करना चाहिए, आपको नेचुरली आपको लाइन मिल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पाउडर कर लीजिए और अपने कंटूरिंग एरियाज़ पर ब्लेंड कर लीजिए। अब बारी है आईब्रोज़ को फिल करने की, और उसके लिए मैं ये ब्रश ले रही हूँ। और इसके एक तरफ कॉम्ब है और एक तरफ ब्रश है, तो मैं कॉम्ब की मदद से कॉम्ब कर लूँगी पहले। और इसके दूसरे साइड जो ब्रश है उसको मैं एक ब्राउन आई शेडो में डिप करके और उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। मैं ये सिवाना कलर्स के पैलेट से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसमें ऐसे डिप करूँगी ब्रश को, लाइक दिस। ये थोड़ा हार्ड है, आई शेडो टूट रहा है, बट स्लोली स्लोली ले और एक्सेस डैप कर दे फॉर श्योर।
यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत अच्छे से आईब्रोज मेरे फिल हुए हैं। इस ब्रश से बहुत ईजिली आपके आईब्रोज फिल हो जाएंगे, बस एक प्रॉब्लम है कि जब आप डिप करोगे इसे आई शेडो में तो ये थोड़ा किक ऑफ करेगा, लाइक पाउडर निकलेगा उसमें से, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श है, लेकिन आपके आईब्रोज को बहुत अच्छे से फिल करते हैं। आप अगर बिगिनर हो, आपको नहीं आता आईब्रोज को फिल करने, तो ये ब्रश बहुत ईजिली आपके आईब्रोज को फिल कर देगा। सो आई शेडो लगाने के लिए आप तीनों ब्रश में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं लगा लेती हूँ आई शेडो। इसमें कोई भी ब्लेंडर ब्रश नहीं है आई शेडो ब्लेंड करने के लिए, तो मैं ये जो स्मजर है इससे ही ब्लेंड कर लूँगी अपने आई शेडो को। इससे एक लाइन बनाते हुए और इसे नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी, बिकॉज़ ये ब्लेंडर नहीं है तो वो राउंड नहीं घूमेगा, तो उसे लगा के और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लूँगी, तो वो ब्लेंड हो जा रहा है अच्छे से। और बहुत सॉफ्ट है ये भी ब्रश, चुभ नहीं रही है मेरे आईज़ में। और जितना भी आपको पिगमेंट चाहिए आप उस हिसाब से इसको डार्क या लाइट कर लीजिए, लाइक आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो और धीरे धीरे लगा के बिल्ड कर लीजिए। एक ही बार ज़्यादा लगाएंगे तो वो ओवरडू हो जाएगा। उसके बाद मैं ये स्मजर से स्मज कर ले रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्श लाइन लग रही है। तो अब मैं पूरे आईलिड पे ये शिमर शेड लगा लूँगी इसी स्मजर के मदद से। नॉट बैड एट ऑल। हम जब भी कोई आई शेडो पैलेट लेते हैं तो उसमें इस टाइप का स्मजर ब्रश ज़रूर मिलता है, तो हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर किसी काम का होता नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इससे शिमर शेड बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है। उसके ऊपर ये डार्क शेड लगा रही हूँ। मैंने लाइनर और मस्कारा और न्यूड काजल लगा लिया है और इसमें ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने लगा लिया है। और अब लगा लेते हैं ब्लश। तो ब्लश के लिए ऑब्वियसली मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी और देखते हैं ये ब्लश के लिए कितना यूज़फुल रहता है। और इससे ब्लश भी बहुत अच्छे से लग रहा है। बस आप कंटूरिंग में इसको ऐसे यूज़ करते हैं, लाइक ऐसे, और ब्लश में आपको ऐसे यूज़ करना है। एंड ये बहुत अच्छे से ब्लश को अप्लाई कर दे रहा है। सो ये हो गया हमारा ब्लश और बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ है। तो अब अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर इसी ब्रश से, और जो भी इस पे ब्लश लेफ्ट ओवर है उसे अपने बैक ऑफ द हैंड या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े के ऊपर अच्छे से या फिर टिश्यू के ऊपर अच्छे से ऐसे से रब कर लेंगे ताकि उसका कलर निकल जाए, और उसके बाद हाइलाइटर लगा लेंगे। ये ब्रश लाइक इन पांचों में से सबसे अच्छा ब्रश ये है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये है। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर दे रहा है। Not bad at all. ये ब्रश जो है वो मल्टीटास्किंग है, ये कंटूरिंग बहुत अच्छे से करता है, ब्लश बहुत अच्छे से अप्लाई करता है, एंड हाइलाइटर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से अप्लाई करता है। और अब कर लेते हैं इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट। उसके लिए मैं ये ब्रश ले रही हूँ जो शायद लिप फिल करने के लिए है आई गेस, और उसी से मैं अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज। ये हो गया मेरा फुल फेस यूजिंग दिस ब्रशेज, लाइक कंटूर, ब्लश एंड हाईलाइट बहुत अच्छा से किया है इसने, और आई शेडो में मिला जुला के अच्छे से काम हो गया। और अब लगा लेते हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगाने के लिए आपको कोई ब्रश की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक में आपको ब्रश प्रोवाइडेड होता है, और बुलेट लिपस्टिक में भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, आपको ब्रश ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं अब लिपस्टिक लगा के मिलती हूँ आपसे। तो ये हो गया मेरा मेकअप, और आप देख सकते हैं मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, और मेकअप कैसा भी हुआ हो लेकिन ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सही वाले ब्रशेस हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको फॉर श्योर ये ब्रशेस ट्राई करने चाहिए, बहुत अफोर्डेबल में आपको बहुत अच्छे ब्रशेस मिल रहे हैं। इनकी ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है एंड काफ़ी यूज़फुल है।
तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा तो आप अपने मार्केट में अपने लोकल स्टोर पे ही जाएं, क्योंकि ऑनलाइन ये आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है लेकिन आपके लोकल स्टोर पे ये बहुत चीप रेट्स में आपको मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खास करके तब जब आप बिगिनर हो। तो ये था ये आज के ब्रशेस ट्रायल का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।